देखिए एक पुरानी कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी नहीं सुनाएगा तब तक आपको शिकारी की कहानी पर ही यकीन आए। हाँ जी भाई साहब, अक्षय साहब की एक और नई फिल्म बोले तो सेल्फी फाइनली 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 थिएटर्स में लग चुकी है, हमने देख ली है और इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे बोले तो इसका रिव्यू। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टोरी की। अभी स्टोरी एकदम कड़क है, मस्त है, बढ़िया है, क्योंकि भाई साउथ वालों का माल कॉपी किया है तो बढ़िया तो होगा ही। वैसे भी साउथ वाले तो जब टट्टी बेंगते हैं तो वो भी सोना बन जाती है, पता नहीं कौन सी चक्की काटा खाते बेंचो। तो कहानी भैया एक सुपरस्टार और उनके एंटी फैन की है, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। दरअसल सुपरस्टार विजय उर्फ अपने पाजी अपने एक फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल शहर आते हैं, जहां पर उनका एक बहुत बड़ा फैन बोले तो ओम प्रकाश अग्रवाल भी रहते हैं, जो कि आरटीओ में ऑफिसर हैं। अब विजय साहब को अपनी एक फिल्म का सीन शूट करने के लिए परमिशन चाहिए और उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो वही लाइसेंस लेने सुपरस्टार विजय साहब तड़के तड़के बोले तो सवेरे 7 बजे आरटीओ में ओम प्रकाश जी अग्रवाल के पास पहुंचते हैं, ताकि उन्हें लाइसेंस मिल जाए और उनके फैन से मिलना भी हो जाए। लेकिन वहां पर ये भिंचोद मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए उल्टी सीधी न्यूज को लीक करके बात का बतंगड़ी नहीं पर्वत पहाड़ जहाज यहां तक कि समुंदर भी बना डालते हैं। अब ऐसे में विजय साहब को गुस्सा आ जाता है और उन्हें हो जाती है गलती से एक गलत फहमी और वो अपने फैन की उसी के बेटे के सामने बेइज्जती नहीं घनघोर बेइज्जती कर देते हैं। इसके बाद ओम प्रकाश जी का खोपड़ा हो जाता है खराब और वो विजय साहब को लाइसेंस देने से मना कर देते हैं। इसके बाद दोनों में बहुत बड़ा घमासान, साथ ही लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा प्रोफेशनल लेवल से पर्सनल लेवल तक आते हुए हम देखते हैं। लेकिन क्या विजय का एटीट्यूड टूटेगा या इमरान खुद फूटेगा, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है, कैरेक्टर्स भी बढ़िया है, खासकर सूरज जी सुपरस्टार का कैरेक्टर आपको बढ़िया लगेगा, चोखा लगेगा। खासकर उनकी स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स तो भैया पूछो मत, कि पिताजी ने कहा था कि जब अपनी इज्जत कम पड़े तो सामने वाले की या वाली की मार लो। वाओ फैंटास्टिक, क्या लिखा है। मेरे ख्याल से इसे ऑस्कर के लिए छोड़ देना चाहिए, पहले दिन में ही मिल जाएगा। लेकिन इसी से ये क्लियर भी हो जाता है कि बॉलीवुड वाले ओरिजिनल राइटिंग पर काम क्यों नहीं करते और रीमेक ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि भैया ऐसे ओरिजिनल है तो रीमेक ही बेहतर है। यहाँ के राइटर्स सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ही लिख सकते हैं, मतलब कि फिल्म में कई सारे राइटर्स, टीवी एंकर्स एंड बॉयकॉट संस्था को भी घसीटा गया है। बाकी मूवी का कोहेरेंट थीम है कि किसी वंचित मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए उल्टी सीधी न्यूज से हमारा ब्रेन वॉश करते हैं और हम न चाहकर भी इनकी बातें मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा मूवी में एक भी इंटीमेट सीन्स नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी इसे चिपक कर देख सकते हो। बाकी मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि इसमें इमरान हाशमी साहब हैं, फिर भी ये मूवी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। लेकिन कैसे, क्योंकि उनको तो बिना इस चीज के फिल्म में मजा ही नहीं आता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।